जनपद आगरा के कस्बा शमशाबाद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से फतेहाबाद विधानसभा के बुद्धिजीवियों, वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों आदि से संपर्क स्थापित कर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों एवं नीतियों का प्रचार प्रसार किया। आपको बता दें, भाजपा द्वारा 5 सितंबर से 20 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया जाना है। इस अभियान के माध्यम से भाजपा प्रदेश के बुद्धिजीवियों, डॉक्टरों, वकीलों, शिक्षकों आदि से संपर्क स्थापित कर केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों एवं नीतियों का प्रचार करेगी। शमशाबाद में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ठाकुर जयवीर सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का संचालन भाजपा आगरा जिला कोषाध्यक्ष एवं फतेहाबाद विधानसभा संयोजक अवनीश कांत गुप्ता ने किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में फतेहाबाद विधायक जितेंद्र वर्मा, भाजपा नेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह, प्रदीप भाटी, ब्लॉक प्रमुख शमशाबाद प्रतिनिधि बजरंग रघुवंशी, आशा देवी, चक बबीता चौहान आदि नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में समस्त विधानसभाओं में किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य ये है कि प्रबुद्ध जनों के जरिए, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, एडवोकेट हों, टीचर्स हों, और साथ ही साथ वो प्रबुद्ध जन जो व्यापार में भी संलग्न रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं देश के निर्माण में, देश की समस्याओं के बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं। ऐसे किसान भाई भी जो देश के लिए सोचते हैं, कहीं ना कहीं मन में उनके ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं कि समाज और देश कैसे प्रगति की ओर अग्रसर हो, ऐसे सभी लोगों का सम्मेलन किया है। और हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसे सभी लोग इन सभी विचारों को आम समाज के बीच में रखें, जिससे लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार स्थापित हो और देश निर्माण की ओर एक बार फिर और तेजी से अग्रसर हो। देखिये, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है, जो हम लोगों की उपलब्धियां हैं, चाहे हमारे आदरणीय नेता मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार चल रही हो, उसकी जो उपलब्धियां हैं, हम लोगों की नीतियां उपलब्धियां, ये आम जन तक पहुंचे और ये सबसे बेहतरीन काम, सबसे तरीके से काम समझदारी से प्रबुद्ध जन ही कर सकता है। अपने प्रतिष्ठानों पर बैठ के अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए भी वो हमारा संदेश सरकार की नीतियां रीतियों, पार्टी की नीतियां रीतियों पहुंचाने का काम करेंगे। इसी आशा और उद्देश्य से हर विधानसभा पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव में जा रही है, 4 साल के अंदर हमने क्या काम किए हैं, किस तरह से इम्तहान दिया है, तो हमें कितने नंबर मिलने चाहिए, ये प्रबुद्ध जनों को ज्यादा पता रहता है, टीचर्स को बताना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे वकील हैं, ये वो लोग हैं जिनके साथ में बहुत से लोग रहते हैं। इनमें से एक एक आदमी 1000-2000 वोटों के शिफ्ट करा सकता है। बहुत से लोगों को पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, कोरोना का काल रहा था, सरकार पूरी तरह से मेहनत करती रही थी, ऐसे समय में भी हम लोगों ने कहीं पर भी ना जनता को परेशान होने दिया, अच्छी कानून व्यवस्था दी, कहीं पर भी विकास के कार्यों को कम नहीं होने दिया, यहाँ तक कि अपने जितने भी व्यापारी थे उनसे भी कोशिश की कि वो हर तरह से हमारे जनता की मदद करते रहे। इन सब बातों को लेकर के हमारा ये सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन में हम चाहते हैं कि प्रबुद्ध जन हमारे साथ मिल करके उस आदमी को वोट दें जो कि रामराज ला सकता है। और रामराज कौन ला सकता है? सिर्फ योगी जी ला सकते हैं। और योगी जी कब लाएंगे? जब आप सब लोग उनका सहयोग करेंगे अगले चुनाव में। हम पूरी तरह से विश्वास के साथ कहते हैं कि हम लोगों को कम से कम 350-400 के बीच में सीटें मिलने जा रही हैं। ये 9 विधानसभाएं तो हर हालत हम जीतेंगे, ये वादे के साथ कहते हैं। और भगवान ने चाहा तो आसपास की सारी विधानसभा भी हम लोग जीतेंगे, ऐसा भी वादा है।